मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5. इन दिस एक्सरसाइज देयर आर ओनली टू पॉइंट्स. फर्स्ट, टू पैरेलल लाइंस कट बाय वन ट्रांसवर्सल लाइन. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी बाय पैरेलल लाइन एंड द गिवन बाय द ट्रांसवर्सल लाइन. तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज द प्रॉपर्टी. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ प्रॉपर्टीज का. देखो, अगर जो दो पैरेलल लाइन होती हैं कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल्स में क्या रिलेशन होता है. देखो, अगर सेम फेस में होते हैं तो उनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं, अपोजिट फेस पे होते हैं तो उनको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं. अगर यहाँ कोरस्पोंडिंग एंगल की बात करें तो ये जो एंगल है आपका किस एंगल के कोरस्पोंडिंग है, एंगल 5 के, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के. पहले मैं सिर्फ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपको बता रही हूँ. तो अब दूसरा एंगल है आपका 4, ये जो 4 है ये किसके इक्वल होगा, आपका 7 के इक्वल होगा. तो एंगल 4 किसके इक्वल है, 7 के. सिमिलरली हम दैट साइड जो हमने लेफ्ट साइड किया वो राइट साइड भी करेंगे. 2 जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 6 के, और जो 3 एंगल है वो किसके इक्वल है, 8 के. तो यहाँ पे एंगल 2 लिखो, दैट इज इक्वल टू 6, और एंगल जो 3 है दैट इज इक्वल टू 8. ये चारों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है, आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं. अब आती है अल्टरनेट एंगल्स की. अल्टरनेट एंगल्स का अपोजिट फेस होता है. एंगल 1 के अल्टरनेट कौन है, 6. एंगल 4 के अल्टरनेट कौन है, दिस इज 4, दिस इज 8. तो एंगल 1 के अल्टरनेट राइट करेंगे तो एंगल जो 1 है दैट इज इक्वल टू 6, एंगल 4 है दैट इज इक्वल टू 8, एंगल 2 5 के इक्वल है, एंगल 3 7 के इक्वल है. देखो, एंगल 1 अपोजिट फेस 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 5, एंगल 3 एंगल 7. ये कौन से एंगल हैं, आपके अल्टरनेट एंगल हैं. अब एक प्रॉपर्टी और आती है, इफ टू लाइंस कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन एंगल सम ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन. दो एंगल 4 है 5 है वो क्या होगा, आपका एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180. दैट इज द सम ऑफ एंगल्स वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल. दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. एंड दिस वन इज थर्ड प्रॉपर्टी, द एंगल सम ऑफ ट्रांसवर्सल साइड, वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल साइड इज 180. जो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दो कब कर रहे हैं, कंडीशन क्या है इनके लिए, ये तब भी सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज द गिवन कंडीशन कि ए लाइन पैरेलल है किसके, बी के. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैंने ये सारी प्रॉपर्टी लिखी, बट कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं ये प्रॉपर्टी, वो कौन बताता है. अगर एक लाइन, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ए पैरेलल है बी के, और कौन सी लाइन कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तब ये तीनों प्रॉपर्टी शो होंगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी शो नहीं होंगी. सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर ये आपके इक्वल हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. तो अपोजिट हो गया, वाइस वर्सा, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये है, और ये सेटिस्फाई करता है तो ये है. तो अब आप अपने एक्सरसाइज पे आ जाओ. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब हम इजीली ये क्वेश्चंस कर पाएंगे एक्सरसाइज 5.2 के. फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी. आपको प्रॉपर्टी बतानी है. देयर इज गिवन ए पैरेलल टू बी एंड देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5. अब आपका 1 इज इक्वल टू 5, पहले से प्रॉपर्टी लिखी हुई है मैंने. 1 5 के इक्वल है कब है, जब आपको गिवन है ए पैरेलल बी के, तब भी 1 5 के इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होता. अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होते, ये कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी. अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती तो ये लाइन पैरेलल है. ये मीन्स आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इसने लिखा है कि ए पैरेलल है बी के, देन तभी एंगल 1 किसके इक्वल है, 5 के. विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल. तो आप यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लिखोगे, विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज इन दिस, वे रिटन देयर एंगल 1 5 के इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, कोरस्पोंडिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं, आर इक्वल.
अगर आपने वो किया है तो देखो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब दो सेकेंड है आपका, क्या गिवन है, एंगल 4 इज इक्वल टू 6। अब मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ एंगल 4 इज इक्वल टू 6, बट आप देखोगे अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो साथ में ये भी लिख लो, एंगल 4 6 के इक्वल होता है, एंगल 3 किसके इक्वल होता है, 5 के, और इसके सामने क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये भी हैं, ये ओनली अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये कौन से हैं आपके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब अगर आप ये भी देख रहे हो तो 4 इज इक्वल टू 6 देन ए पैरेलल टू बी। तो देखो सबसे पहली बात है, अब की बार इसने उल्टा पूछा है, अब की बार आपको दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तब हम ये कहेंगे कि ए पैरेलल है बी के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन 4 इज इक्वल टू 6, दैट इज देन ए पैरेलल टू बी। अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम नहीं कह सकते थे कि ए पैरेलल बी के हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रॉपर्टीज हैं तो ए पैरेलल बी है, अगर ए पैरेलल बी है तो ये प्रॉपर्टीज हैं। ये आप सिंपल अगर कोई भी लाइन लोगे, आपका मन किया ऐसी कोई लाइन लिया देन ट्रांसवर्सल ली, तो ये कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपने 4 इक्वल टू सी है देन ए पैरेलल टू बी, इसका रीजन भी यही है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। 4 इज इक्वल टू 6, दीज आर द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो आप इसके सामने प्रॉपर्टी राइट कर सकते हो। तो फर्स्ट भी हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो दिस वन। अब नेक्स्ट गिवन है आपको थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल टू बी। अब आप मुझे इजीली बता दो कि एंगल 4 प्लस 5 कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ लिखी हुई है कौन सी प्रॉपर्टी है, द एंगल सम वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल सम वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। तो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, एंगल सम ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग इन दिस। एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 कब, जब एंगल सम वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, जो एंगल सम होता है वो ट्रांसवर्सल लाइन के 180 होता है। एंगल सम ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। तो यू कैन इजीली राइट द प्रॉपर्टी, कोई इश्यू नहीं है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको ये प्रॉपर्टी राइट करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, इन द गिवन फिगर, आपको ये फिगर गिवन है, फर्स्ट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको इस फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करने हैं। तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 8 के, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 7 के। तो आप यहाँ इजीली फाइंड करके राइट कर सकते हो, आपका जो एंगल 4 है दैट इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 7, एंगल 1 किसके इक्वल है आपका, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एंगल 4 है ये एंगल 8 के इक्वल है, ये एंगल 3 है ये 7 के इक्वल है, ये एंगल 1 है ये 5 के इक्वल है, ये एंगल 2 है ये 6 के इक्वल है। तो यू विल राइट इजीली, दीज आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पेयर्स बोला है तो पेयर में हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको पेयर बना लो, एंगल 4 8, एंगल 3 7, एंगल 1 5, एंगल 2 6। कैसे बनाते हैं पेयर, अब शायद मुझे ये इरेज करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए। पेयर बनाने के लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3
एंगल 7, दूसरा पेयर बनेगा आपका एंगल 1 एंगल 5 एंड नेक्स्ट पेयर होगा आपका एंगल 2 एंगल 6। तो ये हमने क्या बनाए हैं, पेयर बनाए हैं, दीज आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स दी इक्वल। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं राइट कर देती हूँ। दिस इज पार्ट टू, व्हाट इज गिवन इन पार्ट टू, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाले थे, अब हमें क्या निकालने हैं, अल्टरनेट एंगल निकालने हैं, फिगर यहाँ गिवन है। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स के लिए बोला जाए तो देखो इसने यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, ये गिवन है आपको इंटीरियर, इट मीन्स हमें बाहर वाले एक्सटीरियर पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ इंटीरियर लेने हैं। अगर आप इंटीरियर की बात करो तो एंगल 3 और एंगल 5, पहले मैं यहाँ राइट कर रही हूँ एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 5 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है एंगल 2 किसके इक्वल है 8 के। अब हम इनके पेयर बना देंगे, अगर आप इसको पेयर बनाओगे तो एंगल 3 और एंगल 5, इसका जो पेयर बनेगा ये बनेगा आपका एंगल 2 और एंगल 8। तो यू कैन ईजिली फाइंड द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर इंटीरियर बोला है तो सिर्फ आप इंटीरियर वाले लोगे, एक्सटीरियर वाले नहीं लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज आस्किंग इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, पेयर ही लेना है आपको। ट्रांसवर्सल लाइन आपकी ये है, ये आपके कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, एक साइड की तरफ से आपके, एक तो एंगल 3 है एक एंगल 8 है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पहला जो पेयर है वो एंगल 3 एंड एंगल 8, ये इक्वल नहीं है, इनका सम क्या है 180 है, दिस इज सम इज 180। अदर साइड अगर हम दूसरी साइड देखें तो एंगल 2 एंड एंगल 5, इनका भी जो सम है वो भी क्या है आपका 180। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स वन साइड ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो दिस इज पार्ट 3। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट ही आज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो बहुत ही ईजी है, अगर मैं इसके पार्ट 4 की बात करूँ तो आपको पता है कि इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल किस में लेते हैं, जब दो लाइन आपकी क्या कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है, ये दो लाइन है आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल 4 किसके इक्वल है 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल है 1 के, एंगल 8 6 और एंगल 5 7 के। तो बहुत ही सिंपल है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 किसके इक्वल होगा आपका, एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा। तो ये जो पहला पेयर बना वो क्या बना, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 1। अब एक पेयर और रहता है आपका नीचे वाला, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 5 इक्वल है एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के। तो इसको भी पेयर में राइट कर दो, आप इसको पेयर में राइट करोगे तो एंगल 5 एंगल 7 और एंगल 6 एंगल 8। हमने पेयर में भी राइट किया है और साथ साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी राइट की है कि वो इक्वल होंगे या उनका सम 180 होगा या फिर वो क्या, जो भी गिवन है मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया। एंड राइट इन ए पेयर, अगर वो पेयर में बोलता है तो आपको पेयर में ही राइट करना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। Now come to next question. Next question will be same as it is question number 2. उसमें भी आपको पूछा हुआ है, दो लाइन दी हुई हैं, इंटरसेक्टिंग दी हैं, अपोजिट एंगल्स पूछे हैं। तो यू विल ट्राई अप टू वन थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप यू विल डू ईजिली विद द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।